फतेहाबाद में कब्जे के विवाद को लेकर के युवक की लाठी और डंडों से पीटकर हत्या कर दी। बड़े भाई व चाचा सहित 8 लोगों पर FIR दर्ज भी कर ली गई है। भुना थाना के गांव चौबारा में ये घटना घटी। फिलहाल पुलिस ने IPC की धारा 302, 120B, 147, 148, 149 और 323 तथा 342 के तहत केस दर्ज कर लिया है। भुना थाना के SHO अनूप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि भुना थाना क्षेत्र के गांव चौबारा में ये घटना घटी है। चाचा और भतीजा के बीच में श्यामलाती भूमि पर कब्जे को लेकर के पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसके संबंध में भुना थाने में पहले से कई केस दर्ज हैं और इसी के चलते इस रंजिश ने एक हिंसक रूप ले लिया और मृतक कुलदीप सिंह के अपने खेत में चारा लेने के लिए बाइक पर गया हुआ था। वापस आते हुए शेषपाल ने इसका रास्ता रोक लिया, जिसके बाद उसने उसे अपने घर में खींच लिया, जहां पर उसकी लाठी और डंडों से पीट कर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि इस घटना में 8 लोग और भी शामिल हैं, जिनमें से 6 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। इन सभी पर IPC की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मृतक कुलदीप के 3 बच्चे हैं। हत्या की घटना में मृतक कुलदीप का बड़ा भाई सतवीर उर्फ फौजी भी शामिल हैं। फिलहाल 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल पुलिस जांच भी शुरू कर चुकी है। पल पल फतेहाबाद से राजेश भंबू की विशेष रिपोर्ट। सर, आज क्या मामला था? ये चौबारा गांव का मामला है, जो श्यामलाती जमीन पर कब्जे को लेकर एक ही परिवार के बीच में है। चाचा भतीजे की लड़ाई है, जो पहले भी भुना थाना के अंदर मुकदमे दर्ज है, जो आज ये हिंसक रूप ले लिया। जो ये कुलदीप है, जो मृतक अपने खेत के अंदर चारा लेने के लिए अपनी बाइक से गया था, तो वापिस आते हुए इसका रास्ता रोक के इसको शिषपाल ने अपने घर के अंदर खींच लिया। वहां पे इसकी लाठी डंडों से पिटाई की, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। सर, किस किस के खिलाफ और किस धाराओं में मामला दर्ज किया गया? ये इसके अंदर 8 अक्यूज्ड है, 8 अक्यूज्ड है इसके अंदर, जिसमें 6 मेल है और 2 फीमेल है। धारा इसके अंदर 147, 148, 149, 302, 323, 342 और 120B के तहत मामला दर्ज किया गया। मृतक के परिवार में कौन कौन है? मृतक के परिवार में इसके 3 बच्चे हैं, एक 8 साल की बेटी है, एक 5 साल का लड़का, एक 3 साल का लड़का। सर, बताया जा रहा है कि इसमें इसका बड़ा भाई भी सम्मिलित है। हाँ, इसका बड़ा भाई है, जो सतवीर उर्फ फौजी, वो भी सम्मिलित है। किस किस की गिरफ्तारी अब तक हुई है? इसके अंदर शिषपाल और उत्तम उर्फ सुरेश पुत्र शिषपाल, एक जो लेडीज है मुकेश वाइफ ऑफ सिलेंडर की गिरफ्तारी अभी कर चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है।